हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एक न्यू लेटेस्ट ब्लाउज कटिंग और इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है, तो ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड हो गया है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले इसकी लेनी है लेंथ। तो लेंथ हम जितनी भी लेना चाहते हैं उसकी उतना ले लें। तो इसमें जो मैं लेंथ रखने वाली हूँ इसकी तैयार, तो वो मैं रखने वाली हूँ 13 इंच। तो 13 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 14 इंच। आधा इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा। तो अब उसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले अब हम यहाँ पे लगाएंगे गले का मार्क। तो गले का मार्क लगाएंगे हम 2.5 इंची पे। तो 2.5 इंची पे इसको हम इस तरह सीधा कर देंगे और यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा गले का मार्क। अब तो ये हमने गले का मार्क कर लिया है। अब गले के मार्क के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का मार्क हम 3 इंच पे करेंगे और इसी तरह हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3.5 इंची पे शोल्डर का नाप। अब उसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम इसकी रखेंगे 6 इंची। तो ये 6 इंची पे निशान लगा लिया है। इसको हम इस तरह सीधा कर लेंगे। तो इस तरह हमने इसको सीधा भी कर लिया और 1 इंची पे हम इस तरह 1.5 इंची पे इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो फिटिंग का नाप देखिए हमारा है 32 इंच। तो 32 इंच का जो आएगा हमारा चौथाई पार्ट वो है 8 इंच। तो 8 इंच पे हम इस तरह मार्क कर लेंगे और इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जितना हमें अंदर की तरफ मार्जिन देना है तो मैं इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर कमर की फिटिंग का नाप लगाना है। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये हो गया हमारा सीधा। तो कमर की फिटिंग का नाप नहीं लगाना हमें, वो बाद में लगाएंगे हम। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम गले को मार करेंगे। जितनी हमें गले की लेंथ लेनी है तो मैं इसमें 6.5 इंची गले की लेंथ ले रही हूँ। 6.5 इंची पे मैंने इस तरह निशान लगा दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ से इसकी गले की बॉक्स बना लेंगे निशान लगाते हुए इस तरह। तो 2.5 इंची पे हमने यहाँ निशान लगाया था, इसको एक चौकोर बॉक्स बना लिया है। अब इसमें 1/2 इंची की गुलाई देते हुए इसको गुलाई शेप में कट कर लेंगे इस तरह। तो ये गुलाई शेप में हमारा निशान लग गया है गले का। अब उसके बाद अब हमें इसमें तीरे का निशान लगाना है। तो जो हम तीरे का निशान लगाएंगे वो नीचे से लगाएंगे। जितनी भी हमें इसकी बेल्ट रखनी है तो 1/2 इंची तो हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद हमें इसमें बेल्ट रखनी है 2.5 इंची की। तो 2.5 इंची पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे। तो ये 2.5 इंची पे हमने निशान लगा लिया। तो इस निशान को इस तरफ सीधा कर देंगे। तो ये निशान हमने इस तरफ सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद देखिए हमें 1/1 इंची पे इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह गुलाई देंगे इसकी। तो गुलाई देते हुए इसको हम यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह। तो यहाँ से हम इसको इस तरह, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह लेंगे हम इसको यहाँ से और नीचे से घुमाते हुए ऊपर की तरफ इस तरह ले जाएंगे। तो इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम इसमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो ये प्रिंसेस कट का निशान नहीं लगाना है हमें यहाँ से। तो एक छोटी सी गलती हो गई है फ्रेंड्स। तो ये वाला जो निशान हमने यहाँ पे लगाया था इसको यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे लगाना है इस तरह, ठीक है। तो ये निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब दूसरा निशान हम लगाएंगे यहाँ यहाँ से, जो हम प्लेट लगाते हैं गले पे। तो जो गले पे हम प्लेट लगाते हैं वो वाला निशान लगाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 9 इंची पे प्लेट का निशान। और यहाँ से लेंगे हम इस प्लेट को, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह 2.5 इंची पे। तो इस तरह यहाँ पे 2.5 इंची की जो हम लेंथ लेते हैं प्लेट की, तो वो वाला निशान लेंगे यहाँ पे इस तरह। और ये जो हमारा निशान है गले का, इस वाले निशान से इसको इस तरह मिलाते हुए कटिंग करेंगे। तो एक कटिंग हमारी ये हो गई और दूसरी कटिंग हो गई हमारी ये वाली। तो इस तरह हम इस ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे हम आपको। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो हम पहले ये वाली कटिंग करेंगे यहाँ से।
ये एक कटिंग हो गई हमारी यहाँ पे, और दूसरी कटिंग हम ये वाली करेंगे यहाँ से। तो ये कटिंग हो चुकी है हमारी इस तरह गिरी की फ्रेंड्स। ये इस तरह हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसको फ्रंट हुक वाला बना रहे हैं, हम इसको फ्रंट का हुक लगाएंगे, बैक पे नहीं लगाएंगे, तो इसलिए हम इसको बीच में से यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह। अब जो हमारा ये असल कटा हुआ है इसका हम मेन फैब्रिक में से इसके बराबर ही इसको रखकर कट कर लेते हैं। तो ये इसके बराबर के हमने इसके देखिए ये ब्लाउज का फैब्रिक कट कर लिया है तीनों के बराबर में रखते हुए। तो हमने एक्स्ट्रा पीस कट नहीं किया है इसमें, और इसमें हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा पीस कट किया है, इस तरफ हमने बिल्कुल बराबर कट किया है ताकि इसको सिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे सिलना कैसे है। तो सिलने के लिए सबसे पहले हमें इनको अस्तरों को जॉइंट करना है। इस तरह स्टिच करेंगे हम ताकि हमारा जो फैब्रिक है अंदर का वो एकदम फिटिंग अच्छी आए उसकी। तो इस तरह हम देखिए ऊपर से एक एक पर्ट को उठा लेंगे इस तरह, एक एक को छोड़ देंगे इस तरह। तो एक एक हमने अलग कर लिया है इसमें से ये वाला। तो अब इसको हम इस तरह से लेंगे यहाँ पे रखते हुए, पहले इसको स्टिच करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमने इसके जो है वो कट कर लिए हैं ब्लाउज के पीस, इन पीसों को रख के, और यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर कट किया है, एक्स्ट्रा नहीं कट किया है, और केवल नीचे से एक्स्ट्रा कट किया है ताकि हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। तो अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे आपको। तो इस तरह ये दो दो पीस हैं, इसमें से हम एक एक पीस को निकाल लेंगे, एक पीस हम गले का निकाल लेंगे और एक पीस हम तीरी का निकाल लेंगे इस तरह। तो इन तीनों को हम इस तरह साइड में रखेंगे पहले, और इन तीनों को इस तरह लेंगे, तो इन तीनों को हम इस तरह लेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे यहाँ से, और इस तरह स्टिच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमने इसको स्टिच कर लिया है, अब इसको भी हम इसमें स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको स्टिच कर लिया है, अब इसको स्टिच करने के बाद अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो प्लेट्स हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे पहले यहाँ से, और एक प्लेट यहाँ पे टक लगाएंगे, तो आधा इंच के गैप में हमें इसको प्लेट को लगाना है। ये देखिए इस तरह हमारी ये प्लेट लग जाएगी, तो ये ब्लाउज का जो हमारा पीस है वो इस तरह आ जाएगा। तो अब हम इसमें ये नीचे वाली बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए पहले हम बेल्ट को देखिए, ये हमारी बेल्ट जो है बड़ी हो गई है अब, क्योंकि ये हमने इसमें प्लेट लगा दी है। तो अब इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो हमें इसको यहाँ से बराबर रखना है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें इसको बराबर रखना है बेल्ट को, जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा हमारा उसे हम इस तरफ निकालना है। तो यहाँ से अब हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी प्लेट है नीचे की, तो इस वाली प्लेट को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे यहाँ से। ये इस तरह हमने इसको भी स्टिच कर दिया है, ये देखिए। अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा है इस तरफ उसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा ये ब्लाउज का पीस है
अब इसमें हम दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह अटैच कर लेंगे इस तलके को। ये जो हमारा स्तल का पीस है इसको भी हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो मैं पहले इसको अटैच कर लेती हूँ, फिर दोनों को एक साथ अटैच करके बताऊँगी। ये देखिए ये दोनों पीस हमने इस तरह तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह हमने ये वाला पीस भी तैयार कर लिया है। ये देखिए तो ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं हमने। अब इसकी इसी तरह अब हम इसके जो ये वाले पीस हैं हमारे मेन फैब्रिक जो ब्लाउज का, तो इसको भी हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इस तरह खोल लेंगे दोनों पीसों को इस तरह। तो अब हम इनको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये वाला अटैच कर लेते हैं यहाँ से। सेम उसी तरह हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इसी तरह हमने इसमें प्लेट लगा देनी है जैसे हमने उसमें अस्तल में लगाई थी। अब इस पट्टी को अटैच कर देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह हम इसको सिल लेंगे। वही हमारी सिलाई ख़राब हो गई है। तो ये देखिए इस तरह हमने ये वाला पीस तैयार कर लिया है मेन फैब्रिक का। अब इसके ऊपर हम ये अस्तल वाला पीस रखेंगे इस तरीके से। तो इस तरह नाप लेंगे पहले हम इसको, बराबर रखना है हमें इसको इस तरीके से, सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरीके से। अब हम पहले इसके गले को स्टिच करेंगे यहाँ से। तो पहले हम इसके गले को स्टिच कर लेते हैं। ये गले को स्टिच कर लिया है, इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको हम अंदर की तरफ पलटते हुए इस तरह। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है ब्लाउज का। इसमें हमारी जो सिलाई है जो अंदर की तरफ होती है वो दिखेंगी नहीं। तो अब हम इसको यहाँ से कच्ची सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है, इस गले को पलटी कर लिया है। अब उसके बाद हम इसमें ये लगाएंगे। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा इसको कट कर लेते हैं। अब हम इसमें पहले बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसको बीच वाली जो ये वाली सिलाई है हमारी, यहाँ से हमें इसको अटैच करना है अस्तल में। तो हम इसको अस्तल में अटैच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह टक कर देना है हल्का सा। तो मैं इसको पहले टक कर देती हूँ।
देखिए इस तरह हमने इसको टक्कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको धागे को निकाल देंगे, कट कर देंगे। अब उसके बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर ये वाला कपड़ा रखेंगे इस तरह। अब इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और 25 सिलाई लगाना। तो ये इस तरह हमने इसको जॉइंट कर लिया है। इसमें असल में इसकी फिनिशिंग कुछ अंदर से इस तरह आई है। तो अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तैयार कर लिए हैं फ्रंट का पार्ट इस तरह। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी का जो पार्ट है हमारा बैक का और बाजू, हमें वैसे ही बनानी है जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। अगर उसकी भी आपको कटिंग और स्टिचिंग सीखनी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर फुल ब्लाउज की कटिंग एंड वीडियो डली हुई है कटिंग और स्टिचिंग की। और ये हमने एक नया पैटर्न का ब्लाउज आपको सिखाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और जो हमारी वीडियो की नई नई ट्रिक हैं जो हम सिखाते हैं वो आप सीख सकें। और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं तो उन लोगों तक आप हमारी वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉच एंड दिस वीडियो।